अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ सूरजपुर का हत्याकांड है। ऐसा नहीं कि रोज हत्याएं नहीं हो रहे, लोग रोज नहीं मर रहे हैं, पर वो चर्चा का विषय नहीं है। क्यों चर्चा का विषय नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिकरण नहीं हो रहा। पर सूरजपुर हत्याकांड पर जो है वो राजनीतिक गरमा गई। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस चोर है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी चोर है। कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष भी पकड़ा है जिनका नाम सीके चौधरी है, जिसको निष्कासित करके कांग्रेस ने ये साफ तौर पे कह दिया कि हम हत्यारों के साथ नहीं, हम अपराधियों के साथ नहीं है। तो कांग्रेस किसके साथ है? एक विधायक जेल में भी है, देवेंद्र यादव, बलौदा बाजार कांड को लेकर के। तो कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है? हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। बीजेपी से गोपाल सामंतो जी है और हमारे पास कांग्रेस से रवि गवलानी जी है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, साफ तौर पे पूछता हूँ, साफ सुथरी बात बता दीजिए कि इस हत्याकांड में कांग्रेस का हाथ है या नहीं है? कांग्रेस का हाथ तो छत्तीसगढ़ में हर क्रिमिनल के साथ है। आज इन्होंने छोटी मछली पकड़ने से शुरुआत की। तो सौरभ चंद्राकर को आप क्यों नहीं ला लेते हैं? एक बार बड़ा आरोप लगा रहे थे आप, बड़ी बात कह रहे थे आप, वीडियो रिलीज कर रहे थे आप। वो सौरभ चंद्राकर कहाँ है जो मुख्य आरोपी है महादेव सट्टे का? अगर इनके हाथ है तो सरकार अब आपकी है, इनका पैर है तो सरकार अब आपकी है, इनकी पूरी बॉडी है तो सरकार आपकी है। आप शायद कुछ दिनों के पहले की घटना भूल रहे हैं। इन्हीं के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई, जो पूरी सत्ता चलाते थे, जिनके इशारे पे आईपीएस काम करते थे, और जेल के पीछे बंद है। सूर्यकांत तिवारी को ये कब निष्कासित करेंगे? एजाज ढेबर के भतीजे को कब निष्कासित करेंगे? सर रोक दो, ईडी का डेफिनेशन बता दो। परिवर्तन हो गया, आप किसी मुजरिम में पकड़ाते हैं, आप किसी हत्या में पकड़ाते हैं। कोर्ट का कहना है कि जब तक ये मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक ये अपराधी साबित नहीं हो जाता, तब तक इसको बेल मिल सकती है। ईडी पीएमएलए कानून, प्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए जिसको कहा गया है, उसका डेफिनेशन अलग है ईडी का, कि जब तक आप बेकसूर साबित नहीं हो जाते, आपको बेल नहीं मिल सकती है। अगर उनका हाथ आईपीएस के साथ था, आप अरवर ढेवर की अगर बात कर रहे हैं, तो ईडी ने अभी तक चीजें क्यों नहीं दी? साहू को लेकर के, सौम्य चौरसिया को लेकर के, अनवर ढेबर को लेकर के, साफ तौर पे कानून की भी परिभाषा बताइए कि ईडी का डेफिनेशन क्या है। मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा। पहले दुलारी जी, आप ये तय कर लीजिए कि पिछले 15 साल में जब रमन सिंह जी की सरकार थी, उनकी सरकार में कभी आपने ऐसा देखा था कि उनके 5-5 सेक्रेटरी जेल के अंदर है? कभी किसी ने देखा था कि उनके आसपास के लोग? पनामा अपने आरोप था, उस पर ना किसी को सजा हुई, ना कोई पुख्ता सबूत मिले, और वो आरोप बिल्कुल द्वेषपूर्ण था। अरे आज तो अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के जमीन से नकली होलोग्राम निकल रहे थे, तब कहां थे कांग्रेस के लोग? तब क्यों उनको निष्कासित नहीं किए? आज उनको लगा कि छोटा कार्यकर्ता निष्कासित कर देते हैं, अपनी साख बचाते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, कांग्रेस के हर बड़ा नेता कहता है कि एनएसयूआई से नेता पैदा किया जाता है, एनएसयूआई इनका फैक्ट्री है। मैं बोलता हूं, जब फैक्ट्री में गुंडे पैदा होते हैं, फैक्ट्री में हथियारे पैदा होते हैं, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, ये आप सबके सामने है। जिस फैक्ट्री में चाकूबाजी सिखाई जाती है, जिस फैक्ट्री में कबाड़ी बनना सिखाया जाता है, जिस फैक्ट्री में पुलिस वालों को मारना सिखाया जाता है, उसका प्रोडक्ट अनवर ढेबर होता है, उसका प्रोडक्ट सूर्यकांत तिवारी होता है। ये सूर्यकांत तिवारी भी एनएसयूआई का नेता हुआ करता था, जो आज 2 साल से जेल में है। ये प्रोडक्ट ही ऐसा होता है, जब फैक्ट्री गड़बड़ है तो प्रोडक्ट ऐसा ही होगा। आप इससे पूछिएगा, मैं एक मिनट, अब राहुल गांधी जी को फैक्ट्री की बड़ी आदत है, फैक्ट्री और प्रोडक्ट पर बात करने की। तो अपने गुंडा बनाने वाले फैक्ट्री पे भी बात कर ले और गुंडा प्रोडक्ट पर भी बात करना सीख ले। रवि जी बताइए, आपके फैक्ट्री में गुंडे बन रहे हैं, आपके फैक्ट्री में सूर्यकांत तिवारी बन रहे हैं, आपके फैक्ट्री में सौम्य चौरसिया, 5-5 मुख्य सचिव आपके जेल में है, उसके बाद आपके विधायक जेल में है, उसके बाद आपके सूरजपुर के जिला अध्यक्ष जेल में है, तो एनएसवाई का क्या काम सिर्फ दंगा फैलाना है? साफ तौर पे बीजेपी पूछना चाहती है। मैं एक एक करके जवाब दूंगा, समय दीजिएगा। सबसे पहली बात तो फैक्ट्री की क्या परिभाषा भारतीय जनता पार्टी पढ़ी है वही जाने, मैंने तो ये फैक्ट्री की परिभाषा नहीं पढ़ी है। कहीं से भी कोई भी बात को रिलेट करके कहीं भी लेके आ जाएंगे तो ये कोई बात नहीं बनती है, पहली बात। दूसरी बात, आज आप एक बात समझिए, अपनी ईडी की बात कही थी,
आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं क्या एक भी व्यक्ति का अपराध अभी तक साबित हुआ है? सुप्रीम कोर्ट तक के मैटर जा रहा है, बेल मिल रही है, वो चाहे आप झारखंड का विषय उठा लीजिए, हाई कोर्ट ने बेल दी, बदलाव किया है। मैं बता रहा हूं ना, मैं पूरे तथ्य के साथ बात करूंगा, आप मेरे तथ्यों को सुनिएगा। इनके मंत्री पिछले जो मोदी 2.0 कार्यकाल था उसमें एक संसद में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बताया कि 99,000 करोड़ रुपए का ईडी यानी पीएमएलए के मैटर्स हैं जिसमें सिर्फ 900 करोड़ पे कॉन्फिस्केशन हुआ है, मतलब लेस देन 1%। और उन्होंने ये भी बताया 3,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं लेकिन सिर्फ 23 में ही सजा हो पाई है, यानी वो भी लेस देन 1%। तो बाकी मामले क्या है? ये बाकी मामले सारे के सारे पॉलिटिकल है, ये सारे के सारे मामले मीडिया में उछाले जाते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और इनको ऐसा लगता है कि ये सब हम काम करेंगे तो इनके वोट बैंक बढ़ेंगे और इन लोग सत्ता में आ जाएंगे। और ऐसा पिछले यहां के चुनाव में कहीं हद तक बीजेपी इसमें जीत भी गई कि वो लोगों ने कांग्रेस को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, हमारे नेताओं के खिलाफ हर कुछ बातें कही और ऐसा हुआ कि पब्लिक उनकी बातों में आ गई और उन लोगों को वोट अभी मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति के ऊपर, कांग्रेस से जो जुड़े हुए है, एक भी व्यक्ति के ऊपर अपराध साबित नहीं हो पाया है, सिर्फ बातें हो रही है। तो ईडी तो एक ऐसी चीज है, वो एक टूल बन गया है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, ईडी सीबीआई और इन सारी चीजों को यूज करो और कहीं ना कहीं नैरेटिव क्रिएट करो। दूसरी बात, तीसरी बात आपने एनएसयूआई की कही, देखिए क्या इनका छात्र संगठन नहीं है? क्या इनके छात्र संगठन में नेता नहीं है? क्या कॉलेज और बाकी जगह पे इनके नेता नहीं है? सब जगह है, हर व्यक्ति हर पार्टी छात्र संगठन में भी काम करती है, पार्टी युवाओं के लिए भी काम करती है। मैं खुद प्रोफेशनल कांग्रेस का मेंबर रहा हूँ तो प्रोफेशनल कांग्रेस के लिए भी काम, प्रोफेशनल्स लोगों के लिए भी पार्टियाँ काम करती हैं। तो पार्टियों के बहुत सारे संगठन, बहुत सारे विंग होते हैं, किसी का विंग होना और कोई व्यक्ति अगर वहां से निकल करके आ रहा है तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना ये बहुत छोटी बात है। इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अगर कोई अपराध हो रहा है आपके लोग पर लगातार, रवि ओलानी जी लगातार आपके लोग पकड़ा रहे, एक तरफ देवेंद्र यादव है, एक तरफ सी के चौधरी जी, ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, भूपेश बघेल पर महादेव सट्टे को लेकर के एफआईआर है, गिरफ्तारी खैर नहीं हुई है, तो मुझे बताइए, साफ तौर पे देश जानना चाहता है कि क्या मामले हैं? क्या आप लोग सरकार चलाने में असफल रहे? क्या आप लोग घोटाले पे घोटाले करते रहे? एक तरफ अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो जाती है, पूरा का पूरा आबकारी मामले का विभाग का मास्टरमाइंड बताया जाता, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही, होलोग्राम पाया गया, इन सब बारे में कांग्रेस अपना पक्ष क्यों साफ तौर पे रख नहीं रख पा रही है? क्यों प्रदेश की जनता को ये नहीं बता पा रही है कि इनमें हमारा हाथ है या नहीं? क्यों अनवर ढेबर के साथ और आप एजाज ढेबर के साथ ये तीन तिगड़ी में घिरे हुए नजर आते हैं? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज एक बात समझिए, कोर्ट में जब मामले जा रहे हैं तो वो सब के सारी चीजें खत्म होती जा रही है ना। कोर्ट कह रही है मामला नहीं बनता। अभी आपने अनवर ढेबर जी की बात कही, आप चेक करिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी। उन्होंने कहा मामला ही नहीं बनता है सेक्शन 3 पे जिसके ऊपर मामला बनाया गया है। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, कहती है मामला नहीं बनता, फिर एक नया अपराध दर्ज हो जाता है ईओडब्ल्यू में कि ये ईओडब्ल्यू का मैटर है और वापस से बोलते हैं रेड मारेंगे, वापस से जांच करेंगे। अरे कितनी जांच! आप एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हैं, आप इनसे पूछिए ना कि जांचें खत्म क्यों नहीं हो रही है, और अगर जांचें खत्म हो चुकी है तो बताएं सही चीज क्या है। अगर सही चीज में कोई अपराधी है तो कोर्ट उसको बेल क्यों दे रही है, कोर्ट उसको छोड़ क्यों रही है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। सिर्फ मीडिया में कह देने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता, सिर्फ मीडिया में किसी के बारे में नेगेटिव बात बोल देने से उसकी गुडविल इस तरह से एक्चुअली खराब नहीं हो जाती जो दिखाया जा रहा है। आप तथ्यों पे बात करिए, कोर्ट पर बात करिए। कोर्ट में अगर कोई मामला इस तरह का आया है तो मैं बिल्कुल उस पे जवाब दूंगा। सिर्फ मीडिया में बीजेपी की बातों से उड़ा देने का मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। फिर आप मानते हैं कि नहीं किसी के चौधरी जी का हाथ था कि नहीं? आप ये बोल दीजिए, फिर अगर हाथ नहीं था तो आपको निष्कासन नहीं करना था, उसका निष्कासन रोक के रखना था। मतलब आप भी मानते हैं वो आदमी जो आपके लिए लड़ा हो, वो आदमी जो आपके लिए कटा हो, वो आदमी जो आपके लिए मरा हो, कितने धर्मों में आया हो, वैसे लोगों को आप अगर निष्कासन कर रहे हैं तो क्या लगता है एनएसवाई का मनोबल जो है वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये फोटो दिखाई, देखिए ये देखिए देवेंद्र यादव जी के साथ फोटो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और आदरणीय रवि जी जो बोल रहे हैं उनको मैं बता दूं
ये सारे मामले कोर्ट में है। तो ये भी कोर्ट में होने के बाद ये भी बता दीजिए, सारे मामले ये भी बता दीजिए, 3000 लोगों पर आप कार्रवाई कर रहे हो और सिर्फ 23 लोगों को सजा क्यों दिला पाए? कम से कम ये आंकड़ा 2500 होता, मैं बता रहा हूँ, 2600 होता। और ये ईडी क्या निष्पक्ष है या सरकार से चला रही है? ये सारे के सारे मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुका है, ये सारे के सारे मामले कोर्ट में है। अभी रवि जी बोल रहे थे कि बेल मिल जा रहा है और बेल हो रहा है, दो दो साल ढाई ढाई साल से जेल पे हैं और ढाई ढाई साल से इनको बेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कानूनी और बेल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, ये अगर बोलते हैं बोलारे जी, मैं एक मिनट, मेरे को लेट मी कंप्लीट। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, अरे इधर ढेबर के जमीनों से जब होलोग्राम निकला, छत्तीसगढ़ के तमाम अखबारों ने छापा, छत्तीसगढ़ के तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया, भाजपा आरोप नहीं लगा रही है। ये सत्य है जो एकदम सोने की तरह खड़ा है, जो उनके जमीनों से होलोग्राम निकला। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लड़के के ऊपर आरोप लगा और वो भी पुलिस थाने में पहुंचे, और वो भी किसको मरवाने के लिए? एक प्रोफेसर को, एक निहत्ता प्रोफेसर को घर से निकालकर उसको मारने के लिए। अरे ये इनके चरोदा का नगर निगम का अध्यक्ष, वो एक आदमी को घर से निकाल के लाता है, घर से मारते मारते थाने पहुंचाता है, और जब उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाती है तो भूपेश बघेल धरने पे बैठते हैं। भूपेश बघेल के पास खूब समय है आज के डेट में। मैं पूछता हूं, उस समय समय कहां था जब बीरनपुर में हत्याकांड हुआ? जब बीरनपुर में हत्याकांड हुआ, 10 किलोमीटर दूर पर रविन चौबे का घर था, रविन चौबे पहुंचे नहीं, और आज रविन चौबे भूपेश बघेल के पीछे पीछे कवर्धा तक के जाते हैं। और जब कवर्धा में हत्याकांड हुआ था, मोहम्मद अकबर 400 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचा था, तब यह भूपेश बघेल कहां था? भूपेश बघेल क्या नींद में सो रहा था, या भूपेश बघेल कोयला का पैसा इकट्ठा कर रहा था, या महादेव सट्टा का पैसा इकट्ठा कर रहा था? यह भूपेश बघेल ये नया नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, और कोई इसको पहली बार नहीं देख रहा है। भूपेश बघेल से सब भाई बात जानते हैं। गोपाल जी जवाब ले लो जल्दी, रवि जी बताइए भूपेश बघेल कहां थे, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। और ये विषय को आपके कार्यकर्ताओं ने लोकसभा मंच से भी कहा कि हम नाराज है, हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या जो आज बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल के ही कारण छत्तीसगढ़ में हार कम हुआ आप लोगों ने देखा है, भूपेश बघेल के ही कारण आपकी सीटें इतनी कम आई है? क्योंकि भूपेश बघेल पीसी में दम भरते थे कि अब की बार 75 पार, तो अब की बार 35 का आर पार का नारा दे दिया है। मैं भूपेश बघेल जी के विषय पे आता हूँ। इन्होंने फोटो दिखाया ना, ये फोटो दिखाइए, ज़ूम करिए, ये ज़ूम करिए, ज़ूम कीजिए, ये विषय लिखा हुआ है दैनिक भास्कर का, किसका है ये सियासी सूर्या? फोटो है सूर्यकांत तिवारी जी की, किसके साथ? रमन सिंह जी के साथ, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं अभी के सांसद के साथ, और ठहाके लगा के हंस रहे हैं एक विधायक के साथ, और उसके बाद एक बढ़िया तरीके से हाथ में फोटो खिंचा रहे हैं। ये फोटो के साथ कंपेयर करना चाहिए, नहीं दो मिनट, ये फोटो के साथ कंपेयर करना चाहिए, जहां दो हत्याकांड बीजेपी के अंदर कंपेयर करिए, सुनेंगे ही नहीं आप, सुनेंगे ही नहीं, जो इनका पूरा फुटेज दीजिए, हटाने दीजिए, देखिए इनको दिखाने दीजिए, ये पूछ रहे थे ना, अभी ये पूछ रहे थे ना कि ये इनको निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति आपके इतने बड़े व्यक्ति, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान सांसद के साथ घूम रहा है, और आप हमसे प्रश्नवाचक चिन्ह कर रहे हैं, आप हमारे चीजों पर लगा रहे हैं, गिरेबान में झांकिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराध और अपराधियों के साथ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, प्रशासन क्या कर रहा है? हमारे प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं क्यों हो रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? आप लोग तो सिर्फ एक ही काम करते हो, एक घटना हो जाती है कलेक्टर को हटा देते हो, फिर एक घटना हो जाती है एसपी को हटा देते हो, आप बोलते हो नहीं नहीं इसने गलत काम किया, उसको निष्कासित कर देते हो। अरे भैया कंट्रोल करो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या पुलिस प्रशासन सरकार से बेलगाम हो चुका है? क्या पुलिस प्रशासन अपनी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है और सरकार अपनी स्ट्रेटेजी पे चल रही है? ये तो हम आपसे पूछेंगे ही, क्योंकि वर्तमान में आप लोग बैठे हुए सत्ता में। सिर्फ पुरानी बातें कर देना कि भूपेश बघेल जी के समय में ये नहीं हुआ, भूपेश बघेल जी के समय में वो नहीं हुआ, हम हार चुके हैं।
हमारे अंदर निश्चित कुछ कमियां रही होंगी, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, मुझे इस बात को स्वीकारने में कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है। हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी कि हम लोग जो है इतनी अच्छी सत्ता गवा दिए, ठीक है, लेकिन अभी तो आप बैठे हो, कंट्रोल कर लो। बहुत आप लोगों ने हमारे पे आरोप लगाया था, लेकिन कंट्रोल कर लो। नारा गलत था। मैं अब आपने बोला ना कि भूपेश बघेल जी का, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, आज अब कोई भी चुनाव होता है तो आप एक स्ट्रेटजी से, एक पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। हमने एक स्ट्रेटजी से आगे बढ़े, हम आगे बढ़ने की कोशिश की और हमें लगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जीतेंगे। निश्चित हमारे अंदर कुछ कमी रही, कुछ बीजेपी ने भ्रामक चीजें रखी और उस पर बीजेपी जनता को भ्रमित करने में एक जगह सफल हो गई, कुछ हमारे अंदर कमियां रह गई। दोनों का मिला जुला असर ये रहा है कि हमारी सरकार चली गई। इनका उत्तर दे देता हूं। धान खरीदी का बोनस देना तो 2 साल का रोके थे, मास्टर स्ट्रोक खेल गए, उन्हें पता। दुलारी जी, मुझे लगता है क्राइम पे उत्तर देना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्राइम की बात कर रहे हैं, यही तो डायवर्ट करके सूर्यकांत तिवारी और पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर के गए थे। और जब मैंने फोटो दिखाई तिवारी, मैं सूर्यकांत तिवारी को जवाब दूंगा यही जवाब। आज के प्रतिष्ठित चैनल में मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्कुल ये बताएं, बलौदाबाजार घटना इनके कान के नीचे कैसे हो गई, इनको पता नहीं चला। कवर्धा में एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मर जाता है, इतनी बड़ी वहां घटना हो जाती है, सरकार क्या कर रही थी? इतनी बड़ी घटना सूरजपुर में हो गई, आपके पुलिस प्रशासन क्या कर रहे थे? निश्चित प्रश्न तो पूछा जाएगा, बताइए आप लोग कि ये क्यों हो गया और आपने क्या किया, बताइए, जवाब दे दीजिए। सबसे पहले भूपेश बघेल की सरकार और अभी क्राइम बोल रहे हैं, विष्णुदेव साय जी की सरकार में डिफरेंट। क्राइम बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं, आप जब तक बोल रहे थे मैं सुन रहा था। हो जाएगा, एक-एक करके बोलिए, देखिए लोगों को मौका दे रहा हूं। डिफरेंस क्या होता है? लास्ट 10 मिनट बचा, लास्ट 10 मिनट। डिफरेंस क्या होता है? कवर्धा में घटना होती है, इनके सरकार में हमारे 3-3 विधायक जाता है, उनको 25 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। वीरनपुर में घटना होती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रतिपक्ष और सारे लोग जाते हैं, सारे नेता जाते हैं, उन्हें गाड़ियों में बंद करके जेल में ठूस दिया जाता है। और आज एक मिनट, और आज अगर भूपेश बघेल जाते हैं किसी घटना में तस्दीक करने, जांच करने, उन्हें प्रशासन मदद करता है। यह होता है सरकार और यह होता है सरकार में फर्क। अब रही बात इनकी बलौदा बाजार घटना की और यह जो सूरजपुर की घटना बोल रहे हैं, इसमें दोनों जगह कांग्रेस के आरोपी हैं। क्या कांग्रेस साजिश नहीं कर रही है? आज कांग्रेस की हालत वो है, खिसियाई बिल्ली घूम रही है, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे की परिस्थिति है इनकी। ये हर घड़ी हर पल साजिश रच रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी साजिश रचते हैं और आज उसका नीचे का, सबसे नीचे का नेता जो स्ट्रेटजी का उनके लेवल का होता है, एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष और महामंत्री हत्याकांड में शामिल होते हैं। और ये फोटो दिखा रहे थे, इस फोटो को देखिए और इस फोटो को देख के समझिए कि वो जो फोटो दिखा रहे थे और इस फोटो में कितना डिफरेंस है। एक विधायक है, उसके पास आसपास दोनों गले लगे हुए, एक हत्याकांड का हत्या का आरोपी है और एक उसका साथ घूम रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए। और सूर्यकांत तिवारी जब जेल में गया या सूर्यकांत तिवारी पर जब आरोप लगे, पूरा कांग्रेस खामोश था। क्यों? क्योंकि इंडिगो में पूरे विधायकों को ले जाने वाला सूर्यकांत तिवारी था। कांग्रेस क्यों बोलेगी? कांग्रेस ने क्यों कुछ बोलने का काम नहीं किया? कांग्रेस ने क्यों उस सूर्यकांत तिवारी को सारे पदों से नहीं हटाया? और ये बोल रहे थे अभी कि अरे हर जगह पे साजिशों के साए पे छत्तीसगढ़ चल रही है। ये भूपेश बघेल के साजिशों के साए में छत्तीसगढ़ चल रही है और हम हर जगह इनका पर्दाफाश कर रहे हैं, हर जगह इनको कानून के पीछे पहुंचा रहे हैं, हर जगह इनको सलाखों के पीछे रख रहे हैं। और जो काम प्रशासन को करना है वो प्रशासन कर रही है। इन्होंने बोला कि आईएएस को आईपीएस का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर अगर गलती हुई है तो होगा। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती। जब ये कह रहे हैं, सुन लो भाई, जो डाकू आह भी लेगा तो वो
मैं बोल रहा हूँ, आज इतनी बड़ी घटनाएं हमारे प्रदेश में 10 महीने में हो चुकी हैं, ये गंभीर विषय है। पर इसमें दो कांग्रेस के आरोपी हैं, दो घटनाओं में कांग्रेस के आरोपी हैं। सुन लीजिए, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 10 महीने में हमारे मैं बता रहा हूँ जो जेल के पीछे वो कांग्रेस के हैं, जो आग लगा रहे हैं वो कांग्रेस के हैं, जो बलोदा बाजार में पेट्रोल पंप पेट्रोल लेके गए वो सारी गाड़ियां भिलाई की, इनका विधायक जो किसी सतनामी समाज के कार्यक्रम में जाता नहीं था, नीचे सुनने नहीं चाहते वो बात सुनेंगे तो बुरी जाएगी ना। बोलिए, आप जो भी बोलेंगे उस सब चीजों का उत्तर बिल्कुल दीजिएगा ना, दीजिएगा जब आपका वक्त आएगा। तो कलेक्ट्रेट जला दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, क्या आज तक ऐसी घटना हुई? ये कह रहे हैं कांग्रेस का व्यक्ति है जिसने ये किया है। मुझे एक फुटेज, मैं चैलेंज करता हूं, एक फुटेज ऐसा दिखाता है, एक फुटेज जिसमें यह बता दे कि कांग्रेस के व्यक्ति ने, विधायक ने पत्थरबाजी की, जलाया या कोई भी चीज किया, एक फुटेज दिखाई है, एक फुटेज, अन्यथा चैनल में माफी मांगिए। सिर्फ बोल देने से कोई चीज हो नहीं जाती है, बोले पड़े गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भिलाई का था भाई, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टू व्हीलर जो गए वो भिलाई में थे, ऐसा कौन सा काम हो रहा था तो भिलाई के, और ऐसे लोग थे जो सतनामी समाज के भी नहीं थे। सुने ना, सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कहा जा रहे हैं, मैंने कहा है फुटेज, बिल्कुल ये घटना पुलिस प्रशासन फेल, एडमिनिस्ट्रेशन फेल, इंटेलिजेंस फेल, हमारा प्रदेश अपराध गढ़ बन चुका है। देखिए किसी भी, मैं बिल्कुल इसका भी जवाब दूंगा, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी अपराधी को सपोर्ट नहीं करती है, हमें पूरा का पूरा भरोसा है, अपराधी को सपोर्ट नहीं करते, अपराधी होते हैं। सुन तो लो, हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे, न्याय व्यवस्था पे, पूरा का पूरा दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, जितने भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने केस बनाए हैं, वक्त देखिए, समय दीजिएगा, न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है, सब के सब निर्दोष बाहर आएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। किसके काल में? बीजेपी के भी, कांग्रेस के काल? न्यायपालिका, मैं न्यायपालिका पे भरोसा करता हूं, ना उसका बीजेपी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, वो निश्चित सारे काम नहीं, न्यायपालिका जुडिशियरी के ऊपर मैं किसी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, मुझे जुडिशियरी पे पूर्ण भरोसा है, निश्चित दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। बताइए, सवाल है, सीधा सवाल है, दो लोग हैं कुलदीप साहू महामंत्री इनका एनएसयूआई का, और एक है चंद्रकांत चौधरी अध्यक्ष एनएसयूआई का सूरजपुर का, क्या उन्हें ये निर्दोष साबित करना चाहते हैं? आज इसी लोकप्रिय चैनल में ये बता दें, दो हत्याकांड के आरोपी क्या उन्हें निर्दोष साबित करना चाहते हैं? मैं एकदम सरासर निर्दोष था, और अगर निर्दोष थे, और अगर निर्दोष थे तो उन्हें हम पद से क्यों हटाए, और अगर निर्दोष थे तो पहले ये मानने को तैयार क्यों नहीं हुए? पहले कि वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जब दबाव बढ़ा, जब डॉक्यूमेंट्स निकले, जब पोस्टर निकले, तब क्यों माने? पहले तो इनके लोगों ने मना कर दिया था कि वो तो एनएसयूआई के अधिकारी नहीं है। मेरा प्रश्न साफ साफ है, क्या ये वो मुद्दे को भुनाएगी? क्या बीजेपी इस मुद्दे को पूरा भुना लेगी नगरीय निकाय चुनाव में, जिस तरीके से महादेव ऐप को, महादेव के दुलारी जी कोई भी हत्याकांड को राजनीतिक रूप से भुनाने की बात तो कहनी ही गलत, सामने क्यों खड़े हैं? ही गलत है। आप दोनों देखिए, और इन्होंने और एक बात आपके तरफ से, दुलारी जी एक मिनट, इन्होंने ये भी बोला कि भाजपा का भी छात्र संगठन है, किसी जगह पे ये साबित कर दे कि भाजपा का कोई छात्र संगठन है तो मैं मान जाऊंगा वो संघ परिवार का पितृ संगठन का अनुसांगिक संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का संगठन नहीं है, पहली बार भाजपा का संगठन नहीं है, लेकिन एनएसयूआई जो है पूर्णतः कांग्रेस का संगठन है, ये देखिए, और एनएसयूआई पूर्णतः कांग्रेस का संगठन है,
और जो फैक्ट्री की बात कही वो मेरा मेरी बात नहीं है, वो इनके नेता सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का एनएसयूआई कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में दिया हुआ वचन है कि एनएसयूआई हमारी फैक्ट्री है जहां से अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कुलदीप साहू और चंद्रकांत चौधरी जैसे प्रोडक्ट है, नौकरी दीजिए, नशा छोड़िए, दिल्ली में बड़ा धरना देने वाले हैं, बड़ा धरना देने वाले हैं। देखिए क्या है कि ये देवेंद्र यादव भी वही देवेंद्र यादव ही भूल रहा है। ये देवेंद्र यादव की बात बता देता हूं। 2012 में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय इनका वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था कि चरणदास महंत हमारे केंद्रीय मंत्री है, जो काम बोलोगे वो करवा दूंगा। ये वीडियो वायरल हुआ था और वायरल करने वाला था इनका सुबोध अरितवाल था, वो भी इन्हीं का नेता था। ये एनएसयूआई है, यहाँ ऐसे ही प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ ऐसे ही क्रिमिनल बनते हैं। समय की अवधि कम है। पहली चीज तो मैंने ऐसा वीडियो ही नहीं देखा है, और अगर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है अभी दिखाते तो माफी मांगेंगे। अरे सुन लो ना भाई, सुन लो, आगे भी सुनो। अगर कोई कह रहा है नेता कि चरणदास महंत जी हमारे नेता है, आप कोई काम लेके आइए हम करवा देंगे, तो इसमें गुनाह क्या है? क्या इसमें गलत बात बोल दी पार्टी? अगर आज वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी पैसा लेकर काम कराने की बात पे सुन लो, थोड़ा सा शांति से सुन तो लो। इस तरह की बातों के जवाब बेतुके जवाब है, मैं नहीं देना चाहता। इन्होंने कहा कि सस्पेंड करके कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि वो लोग अपराधी हैं। अगर इनकी परिभाषा पे जाऊं तो इन लोगों ने कलेक्ट्रेट में जलने के बाद कलेक्टर को निष्कासित किया, एसपी को निष्कासित किया, कवर्धा में भी यही काम किया। मतलब इनकी सरकार ये मान रही है ना, ये देखिए उनको रोकिए, दो मिनट रोकिए, इस तरह से नहीं होगा। इसका मतलब ये बात सच है ना कि आप मान रहे हो कि आपके कलेक्ट्रेट का जलाने में कलेक्टर का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, मान रहे हो ना पुलिस प्रशासन का फेलियर है। अगर आप ही की इस डेफिनेशन में चला जाओ, मतलब आज के समय में शासन अपनी नजर हिसाब से चल रहा है और प्रशासन और पुलिस अपने हिसाब से चल रहा है, मतलब सरकार किसकी है किसी को पता ही नहीं है। अपराधियों को शय मिल चुकी है क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है। और अगर आपकी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अगर आपकी सरकार प्रदेश नहीं चला पा रही है, तो मैं तुरंत कहूंगा मुख्यमंत्री जी से और बाकी लोगों से, इस्तीफा दीजिए, फिर से पुनः चुनाव करवाइए और हमारी सरकार बनेगी, हम चलाएंगे। इस तरह से प्रदेश की स्थिति पे साजिश का पर्दाफाश यही हो गया। इनके साजिशों का पर्दाफाश ये खुद कर रहे हैं इसी चैनल पर ये साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं कि इनके मन में क्या है और ये साजिश क्यों कर रहे हैं। ये चाहते हैं साजिश क्या है? चाहते हैं भाजपा की इस्तीफा दो ना। और ये वीडियो पे जूम साजिश क्या है? इस वीडियो में साजिश क्या है? इसमें लिखा है राहुल गांधी के नाम पर चंदा लेते हुए देवेंद्र यादव एनएसयूआई गिरफ्त। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। मैं इनको भेज देता हूं, इनको कहां से भेज लेता हूं, यही निकाले। मैं यही बात करें, आप में से कोई भी आदमी व्यक्ति आप YouTube में टाइप कर लीजिए देवेंद्र यादव एनएसयूआई चंदा गिरफ्तार, आप ले लीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए बहुत कम बचा है, मैंने कहा ही पहले ही कहा, इनकी साजिश ये खुद बता रहे हैं, आपके चैनल पर खुद चल के आके बता रहे हैं कि आपसे अगर नहीं संभल रहे तो हमें दे दीजिए। साजिश क्या है? साजिश कर रहे हैं। क्या साजिश है? आपने विधायक चला रहे हैं तो देखिए इस्तीफा दो। आप जब साजिश कहां से, आप जब बोल रहे थे तब हम नहीं, तो साजिश क्या है? जब नहीं पूछिए साजिश विधायकों को भेजकर कार्यकर्ताओं को भेजकर भड़का बजा रहे हैं। साजिश क्या है? अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर बलौदा बाजार में यह घटना करवाते हैं। उसके बाद भूपेश बघेल पहुंचते हैं और उसके बाद बोलते हैं इस्तीफा दीजिए। ऐसे ही ये अपने जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री को मर्डर करने भेजते हैं, पूरी तरीके से गलत बात है। और भेजने के बाद जब वो मर्डर करते हैं तब ये बोलते हैं कि आप इस्तीफा दो। बिल्कुल गलत। आपने ऐसे कार्यकर्ता रखे क्यों? गंभीर आरोप है। इस तरह की बात टीवी चैनल में ये नहीं कर सकते। गलत बात बताइए, बस कोई आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपने ऐसे लोगों को राजनीति में जगह क्यों दी। गोपाल जी तथ्यों पे बात कीजिए, गोपाल जी तथ्यों पे बात कीजिए। तो तथ्यों पर ही बात कर रहा हूं। क्या देवेंद्र यादव इनके विधायक नहीं है? ये कोई कोरिलेशन है? देवेंद्र यादव इनके विधायक है? बोल देंगे देवेंद्र यादव इनके विधायक नहीं है? कोरिलेशन नहीं है? बोल दे चंद्रकांत चौधरी इनके जिलाध्यक्ष नहीं है? बोल दे कुलदीप साहू इनके महामंत्री नहीं है? बोल दे भाई। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल में पूछ रहा हूं, आप बोल दीजिए देवेंद्र यादव आपके विधायक नहीं है। बात बस समय समाप्त होने वाला, लास्ट 10 सेकंड में जवाब दीजिए कि क्या आपको मानना पड़ेगा सीके चौधरी आपके जिलाध्यक्ष नहीं है?
फिर आप जवाब ना दे, आप 10 सेकंड बाद जवाब देते। मैं पूछना चाहता हूँ कि जवाब में भी पूछते ही, अरे भाई राहुल गांधी ऐसे ही बोले थे, जवाब का सवाल चाहिए। सुन लीजिए, सिर्फ बोल देते, सुनने की भी तो आप क्षमता रखिए ना कोई चीज को। मैं समझ गया हूँ, अगर आज यहाँ पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ अपराध को कंट्रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करने का काम आपका है, किसी भी प्रकार के अपराध का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है, किसी भी प्रकार के अपराधी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हुई है, हमें न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण भरोसा है। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र पूर्वक जो हमारे नेताओं को आपने जेल में डाला है, वक्त आने दीजिए, मुझे पूर्ण भरोसा है जजेस के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, वो लोग दूध का दूध करेंगे, पानी का पानी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को कि जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रही है, वो सारी चीज जनता के सामने आएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। एक तरफ बीजेपी खड़ी है और एक तरफ कांग्रेस खड़ी है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की संलिप्तता अपराधियों के साथ है, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की संलिप्तता अपराधियों के साथ है, और कांग्रेस का कहना है कि आप प्रशासन चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, आप चीजों को चलाने में पूरी तरीके से फेल है, और फेल है तो इस्तीफा दे दीजिए। खैर, सूरजपुर का हत्याकांड और क्या नया मोड़ लेगा, कौन कांग्रेस का और नेता निकलेगा या बीजेपी के नेता निकलेंगे, ये तो समय बताएगा। पर समय के साथ साथ समय बता रहा है कि जो अपराध का ग्राफ है वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, इतने तेजी से ऊपर बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काल में रुक नहीं पाए, न ये कांग्रेस में रुका था न ये बीजेपी में रुका है। दोनों ही रायपुर को नया नया नाम देते थे, जब सरकार कांग्रेस की थी तो बीजेपी कहती थी रायपुर चाकूपुर है, और अब सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस कहती है कि रायपुर चाकूपुर है। खैर, ये रायपुर चाकूपुर है या नहीं है ये समय बताएगा, पर उससे भी पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने है सूरजपुर हत्याकांड को लेकर के, दोनों में एकदम राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है, और ये बहस कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। चुनाव के बाद ही मुझे लगता है कि सरगर्मियां तेज होगी। खैर, नगरी निकाय चुनाव सामने है और दक्षिण का उपचुनाव भी सामने है, 15 राज्यों में 48 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। खैर, ये बड़ी बात हो जाती है कि सूरजपुर के हत्याकांड में 3 दिन का रिमांड उन्हें और मिल चुका है, 3 दिन तक पुलिस और पूछताछ करेगी, और अभी तक वो चाकू नहीं मिला है जिससे मारा गया है। खैर, चाकू की खोज की जा रही है, और चाकू कहाँ छुपाया गया ये अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस कर रही तो क्या कर रही है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर उससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसमें कांग्रेस किसके तरफ है और बीजेपी किसके तरफ है, क्या दोनों सिर्फ लड़ते रहेंगे या मसले का समाधान भी करेंगे। छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर को देखने के लिए न्यूज़ 21 को ना भूलिए।